दोस्तों, इन दिनों जिस बीमारी के बारे में सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है वो है डेंगू, जिसके बारे में पूरी जानकारी ना होने की वजह से वो हो जाती है खतरनाक जानलेवा। मेरा नाम डॉक्टर वर्षा झवर है और मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं आपको बताऊंगी डेंगू क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है, इससे कैसे बचा जा सकता है और इसका ट्रीटमेंट घरेलू और होम्योपैथी दोनों। डेंगू एक वायरल डिजीज़ है जो कि मस्कीटो से फैलता है। यह मस्कीटो साफ पानी में पनपते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहती हूँ, डेंगू कंटेंजियस डिजीज़ नहीं है। यह आपस में एक दूसरे के कॉन्टेक्ट से नहीं फैलता। मच्छर के काटने के 4 से 7 दिन बाद डेंगू के सिम्टम्स स्टार्ट होते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहला है फीवर। फीवर की इंटेंसिटी बहुत हाई होती है, जो कि 102 से 105 तक चला जाता है। फीवर के 2 से 4 दिन के बाद बॉडी में रैशेस स्टार्ट होते हैं। रैशेस के साथ स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है, पेशेंट हीट और कोल्ड भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसके साथ हेडेक, सिर दर्द मेनली होता है आँखों के पीछे। सिर दर्द के साथ साथ बॉडी पेन, मसल पेन, जॉइंट्स पेन बहुत सीवियर होता है। इतना सीवियर कि इस डिजीज़ को बोलते हैं ब्रेक बोन डिजीज़, यानी इसमें इतना सीवियर दर्द होता है जैसे कि हड्डी टूट गई हो। वीकनेस के साथ साथ इसमें होता है सीवियर नौशिया। नौशिया मतलब उल्टी जैसा लगना और उल्टी होना। उल्टी और नौशिया की वजह से बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी वजह से बीपी भी लो हो जाता है। ये है डेंगू के प्राइमरी सिम्टम्स। यहाँ तक हम डेंगू को कंट्रोल कर सकते हैं। डेंगू को कंट्रोल कैसे करना है यह मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन की वजह से बॉडी से पानी चला जाता है, जिसके लिए आपको प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी पिलाना है। पानी वाटर के फॉर्म में भी, या फिर इलेक्ट्रॉल जो मार्केट में रेडीली अवेलेबल है इलेक्ट्रॉल के फॉर्म में। फीवर के लिए हमें सिर्फ पैरासीटामोल देना है। दर्द के लिए हमें, पेन के लिए हमें कुछ नहीं देना है। पेन किलर्स इसमें अवॉइड करना चाहिए। इसके साथ पेशेंट को हमें कंप्लीट रेस्ट देना चाहिए। अब मैं आपको इसका कुछ घरेलू उपाय बताती हूँ, जिससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है और हम डेंगू से लड़ सकते हैं। नीम, तुलसी, गिलोय, पीपल, पपाया, इनके फ्रेश लीव्स के रस निकाल के इसे देने से इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके साथ आंवला, एलोवेरा, इसका रस भी काफ़ी यूज़फुल है। कई बार डेंगू रिपीट आ सकता है और रिपीट आता है तो काफ़ी डेंजर होके आता है। यदि हम चाहते हैं कि यह रिपीट ना आए, इसके लिए हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं। मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिससे डेंगू प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ट्रीट भी कर सकते हैं। होम्योपैथी में प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है, जिससे आप इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसका नाम बताती हूँ, जो कि आपको नियरेस्ट होम्योपैथी स्टोर से मिल सकती है। उसका नाम है यूपिटोरम परफोरेटम। इसे लेने से हम डेंगू को प्रिवेंट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि कोई सिम्टम्स है डेंगू के, तो फिर हम नियरेस्ट होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि यह डेंगू कॉम्प्लिकेशन में ना जाए, क्योंकि इसका कॉम्प्लिकेशन काफ़ी सीवियर है। उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत पड़ती है, तो उसके पहले हम इसमें होम्योपैथी से इसे ठीक कर सकते हैं। मैं आपको इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना चाहती हूँ। यदि 8 से 10 दिन के बाद फीवर रिपीट आए, मोर इंटेंसिटी से ज़्यादा होके, उसके साथ ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, नोज, और उसके साथ बॉडी में रैश जो कि सीवियर इचिंग के साथ हो, यह होता है कॉम्प्लिकेशन डेंगू का, जिसे कहते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। इस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट भी डाउन हो जाता है। इस कंडीशन में आपको हॉस्पिटलाइज करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि प्लेटलेट चढ़ाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यदि हमें इस कॉम्प्लिकेशन से बचना है, तो हम होम्योपैथी ट्रीटमेंट ले सकते हैं और उसके पहले हम होम्योपैथी की प्रिवेंटिव ले सकते हैं। ध्यान रखिए, यदि डेंगू वापस आया है कॉम्प्लिकेशंस के साथ, तो उस समय आपको हॉस्पिटलाइज होना बहुत ज़रूरी है।
उस समय आपको प्लेटलेट चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यह थी डेंगू के बारे में पूरी जानकारी जो कि एक आम नागरिक को पता होनी चाहिए। पिछले साल 2018 में 1 लाख से ऊपर केसेस डेंगू के रजिस्टर हुए, जिसमें से 172 मौतें हुई। यह इसलिए हुई क्योंकि उन्हें प्राइमरी स्टेज में डेंगू के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि डेंगू को हम प्राइमरी स्टेज में ही क्योर कर पाए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक बटन दबाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक के लिए स्टे हेल्दी। जय हिंद।